नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय खबर को लेकर इस वक्त आपके सामने मैं हाजिर हूं। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। जी हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अफगानिस्तान में विपरीत परिस्थितियों के साथ समय जो है वो बदल रहा है, उसको लेकर भारत के तरफ से चिंता जाहिर की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तरफ से और साथ ही साथ यूएनए ने एक बैठक परिषद के मुताबिक ये कहा है कि अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं वो भारत के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी ये खबर क्या है, क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर भारत ने एक बार फिर से चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और एक पड़ोसी होने के नाते हमें अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा है, हमने पिछले महीने के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति में बदलाव को देखा है। सुरक्षा परिषद ने अगस्त में 3 बार बैठक की और मौजूदा स्थिति पर सामूहिक रूप से चर्चा की है। तिरुमूर्ति ने कहा है, जैसे ही पिछले महीने काबुल हवाई अड्डे पर हुए निंदनीय आतंकवादी हमले से देखा गया है कि आतंकवाद अफगानिस्तान के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में की गई सभी बातों का सम्मान किया जाए और उनका पालन हो। हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अफगान बच्चों के सपनों को साकार करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है। उन्होंने कहा है कि हम तुरंत मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में एक ऐसी व्यवस्था का आह्वान करता है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, एक ऐसी सरकार हो जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारता और वैधता मिले। तो साफ तौर पर भारत ये कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान से उसके रिश्ते खराब हों। अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते ऐसे हुए करते थे जो पूरे देश में, पूरे विश्व में उनके रिश्तों की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके ठीक बाद से समय विपरीत स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल गई, जिसके बाद अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा हो चुकी है, नए चेहरे भी आ चुके हैं और नई सरकार के गठन की बात भी हो रही है। अफगानिस्तान से जुड़ी तमाम खबरों को मैं आपके सामने फिर से लाता रहूंगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।